देख रहे हैं एज बी न्यूज चैनल। मैं हूं इकरा खान अफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। आज एक अहम मालूमात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूं कि क्या वाकई में सऊदी अरब ने इस बार हज ना करने का फैसला किया है। ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई। एक कुछ दिन पहले एक गुफ्तगू में वजारत हज ने कहा कि सऊदी अरेबिया की हुकूमत खादमेन हरमेन शरीफेन सलमान बिन अब्दुल अजीज की निगरानी में और तमाम महकमों की निगरानी में हर फर्द की हफाजत के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ दिन रात लड़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया की वजारत हज और उमरा ने हर हाल में हाजियों की हफाजत के लिए पुरअज़म है। सऊदी अरब की हुकूमत ने कोरोना के रोकथाम के लिए गैर मामूली इकदाम शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरब की तमाम मस्जिदों में जुमा और पांच वक्त की नमाजों पर पाबंदी लगा दी गई है। पूरे सऊदी अरब में कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि कोरोना वायरस पर काबू पाया जाए। सऊदी अरब को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए और इसे बचाने के लिए अपना अपना किरदार अदा कीजिए। हफाजती तदबीर इख्तियार कीजिए और घरों से बाहर ना निकलिए। कोरोना वायरस की निस्बत से मैं आप सबसे एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। विटामिन सी कोरोना वायरस के खिलाफ हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत करता है, तो ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी लीजिए। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सऊदी हुकूमत तमाम महकमों का जो इस कोरोना वायरस के खिलाफ अपना अपना फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।